अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे, हमसे? तुमने कल 4 बजे तक घर पहुंचना है और तुम्हारी कल की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है उसे कैंसिल कर दो। और राहिल, तुमने भी तैयार रहना है। क्यों, कोई मिलने आ रहा है? नहीं, हम जा रहे हैं आप दोनों के ससुराल। व्हाट, हमारे ससुराल? मैं जा रही, मुझे और भी काम है, देखती मैं। अरे अम्मी, अम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन से काम? कौन सी रस्म कैसी निभानी है भाई, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। अच्छा, तुम दोनों ने कल बिल्कुल रेडी होना है, ऑन टाइम तुम दोनों की ससुराल जाना है। अम्मी, मुबारक हो भाई। ये लो, ये रख लो। ये मैं क्यों रख लूं? क्योंकि मैं कह रही हूं। नहीं, मेरे पास मेरी जरूरत के मुताबिक बहुत कुछ है। हानिया, आज जोया के पास पैसे देके मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी फितरत में ही नहीं था किसी से मदद मांगना। पर ताया अबू से तो पैसे ले लिए तुमने। हाँ, लिए मैंने पैसे, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। इतना खुद को मत गिराओ हानिया। तुम जानती हो तुम्हारे ताया ने तुम्हारा हक मार के रखा है। तुम्हें तो चाहिए कि कोर्ट में जाओ और अपने हक के लिए अपील दायर करो। इतना अरसा गुजर गया, आप अपना हक मांगने कोर्ट क्यों नहीं गई? मेरे कुछ और प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे आपके, सिवाय इसके कि आप ताया अबू का सामना ही नहीं कर सकती थी? हानिया, अम्मी आपने बहुत जुल्म किया है ताया अबू पे और अपनी बेटी पे। बस एक ही मुलाकात में तुम्हारे कानों में जहर भर दिया वलीद ने। नहीं, उनके दिल में तो आज भी आप शायद एक नाकाम हसरत बनकर जी रही हैं, लेकिन आपकी नजर में आज भी जरूरी है तो दौलत, प्रॉपर्टी और उनका बिजनेस। मेरे लिए रिश्ते दौलत से ज्यादा अहम है। तुम खुददार नहीं बेवकूफ, रिश्तों से पेट नहीं भरा करते। पेट भरने के लिए प्यार नहीं, पैसा चाहिए। तो आप भरती रहे अपना पेट, मैं रिश्तों के प्यार के साथ भूखी भी रह लूं। वीकेंड पे सोया को लेने आऊंगी।